नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लास। दोस्तों आज की वीडियो है मंथली करंट अफेयर जनवरी 2023 की। तो जनवरी मंथ के ये मंथली करंट अफेयर है, उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जनवरी 2023 की, तो जनवरी 2023 का ये मंथली करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, भारतीय सेना कहाँ पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। तो जो भारतीय सेना है ये देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां पर बनवा रही है, तो ये बनवा रही है देहरादून में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो भारतीय सेना है ये देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में है, जसवंत सिंह ग्राउंड, जिसको कि महिंद्रा ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किली मंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो जो प्रीति नेगी है इन्होंने माउंट किली मंजारो पर तिरंगा फहराया है, तो ये किस जनपद की है। तो ये उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जनपद से है प्रीति नेगी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रुद्रप्रयाग जिले की रहने वाली है प्रीति नेगी, और इन्होंने 3 दिन में साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किली मंजारो, तो यहां पर तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने अपने नाम। और इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की समर खान के नाम था, और अब बना दिया है प्रीति नेगी ने, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में जो क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है ये अब कितना प्रतिशत प्रदान किया है उत्तराखंड में, तो ये मिला इनको 30%। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण पर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, उत्तराखंड राज्य का पहला वार मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है। तो उत्तराखंड का जो पहला वार मेमोरियल है ये बना दिया गया है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो उत्तराखंड के देहरादून में ये पहला वार मेमोरियल बनाया गया है। तो उत्तराखंड राज्य का ये पहला वार मेमोरियल है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो ये है आपका पर्यटन के क्षेत्र से। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज है ये पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है। तो केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो जो कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज है तो इसका निर्माण किस जनपद में किया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है पिथौरागढ़ जनपद में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पिथौरागढ़ जनपद में कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल है तो वहां कुमाऊं मंडल का जो पहला ग्लास ब्रिज है सीसा पुल, इसका कार्य पिथौरागढ़ जिले में शुरू हो गया है। और देखिए जो मुनस्यारी है जिसे कि मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, तो मिनी कश्मीर बोले तो मुनस्यारी, तो यहां पर अब इसकी सुंदरता को अब पर्यटक जो है आसमान से इसे देख पाएंगे, क्योंकि ऊपर बन रहा है आपका ग्लास ब्रिज, तो मुनस्यारी में ही बन रहा है ये पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में राज्य के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये किसे किया गया यहां पर, रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सहवाग राणा को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सहवाग राणा जो है वो हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला परिसर के सीनियर अंडर ऑफिसर है सहवाग राणा, और रक्षा मंत्री द्वारा ये सम्मानित हुए। क्वेश्चन नंबर एट है, हाल ही में
उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड में ऐसे दो स्टार्टअपों को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड के दो स्टार्टअप हैं जिनको कि राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 16 जनवरी को ये सम्मानित किए गए। तो 16 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो यह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, तो इन्होंने दिगंतरा एरो स्पेस फर्स्ट ये है, और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप, इन दो कंपनी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया है। तो उत्तराखंड की इन दो कंपनियों को, दो जो स्टार्टअप है, इन्हें राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया गया है। 16 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की गई थी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया गया वीरता पुरस्कार से सम्मानित? तो मेजर प्रशांत भट्ट को, तो मेजर प्रशांत भट्ट को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये उत्तराखंड में कौसानी में, तो कौसानी के निवासी है। मूल निवासी कहाँ के हैं? उत्तराखंड कौसानी के हैं, और सैन्य अधिकारी है मेजर प्रशांत भट्ट। तो इन्हें वीरता पुरस्कार सेना मेडल से सम्मानित किया गया। तो गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या होती है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई जो वीरता पुरस्कारों की घोषणा है, उसमें जो ये मेजर प्रशांत भट्ट है, सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट, इन्हें सेना मेडल के लिए चयनित किया गया वीरता पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से किस झांकी का प्रदर्शन किया गया? तो 74वें जो गणतंत्र दिवस मनाया गया इस बार, तो इस पर राज्य की ओर से किस झांकी का प्रदर्शन किया गया? तो मानसखंड, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मानसखंड का प्रदर्शन, जो मानसखंड की झांकी उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की गई। तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर, तो पहली बार कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में उत्तराखंड राज्य की ओर से मानसखंड झांकी का प्रदर्शन किया गया। और इसमें क्या किया गया, जो राज्य की झांकी थी मानसखंड, इसके अग्र तथा मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंघा, घुरल, मोर तथा उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो विभिन्न पक्षी हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया था, और झांकी के पृष्ठ भाग में जागेश्वर मंदिर समूह तथा देवदार के वृक्षों को दिखाया गया था इस झांकी में। साथ ही उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध लोक कला है ऐपण, तो ऐपण का भी झांकी में समावेश किया गया था, और इसके साथ ही जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है तो इसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। इसके लिए छोलिया नृत्य का दल एवं योग को सम्मिलित किया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, 14वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की को किस आचार्य को गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया, जो गुरुकुल रुड़की की आचार्य थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है डॉक्टर सुकुमा। डॉक्टर सुकुमा को इस सम्मान क्या है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जो भारत सरकार ने विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की, तो विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की की जो आचार्य है डॉक्टर सुकुमा, तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड देने का यहाँ पर ऐलान किया। पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सुकुमा है, इन्होंने जो तमाम जीवन अपना लड़कियों को गुरुकुल पद्धति के जरिए शिक्षा में गुजार दिया, और इसके लिए इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया। वे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान दे रही है, और डॉक्टर सुकुमा ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिसके लिए 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ये गुरुकुल रुड़की की आचार्य हैं, तो डॉक्टर सुकुमा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो 11 प्रश्न थे, ये मंथली करंट अफेयर जनवरी 2023 के मुख्य इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न थे, और ये सभी जो प्रश्न है, सभी करंट अफेयर है, ये आपको मिल जाएंगे हमारे उत्तराखंड का जो एप्लीकेशन है, उत्तराखंड जीके या
जरदारी क्लासेस अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एस जे ग्रुप का ऐप, तो उसमें ये सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उत्तराखंड वर्षकांक 2022, 2021 या 2020 की ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, वहां से आपको पिछले 3 सालों के पूरे करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड के, साथ ही इंडिया के करंट अफेयर अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो उन्हें ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।